ताजमहल जितना खूबसूरत है ये अपने अंदर उतने ही रहस्य समेटे हुए है, मगर हमेशा से ही अपनी नायाब सुंदरता को लेकर चर्चाओं में रहने वाला ताजमहल आज किसी और वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है एक दावा, दावा यहाँ शिव मंदिर होने का। क्या सचमुच ताजमहल के नीचे आज भी शिवलिंग मौजूद है? और अगर है तो क्या आप ताजमहल को तोड़कर वहां फिर से मंदिर बनवाया जाएगा? ऐसे कई रहस्य इस खूबसूरत महल के नीचे दबे हुए हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ताजमहल जितना जमीन से ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है, मगर इसके तहखानों में ऐसा क्या है कि इन्हें कभी खोला नहीं गया? क्या इन तहखानों में शिव मंदिर होने के राज छिपे हैं? अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस मुद्दे पर कहना है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही विभाग द्वारा इन तहखानों के अंदर क्या चीजें हैं ये भी नहीं बताया गया है। तो क्या है दुनिया के सातवें अजूबे के पीछे का रहस्य जिनको आम जनता से छिपाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर सचमुच यहाँ शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम था तेजो महाले? क्या सचमुच तेजो महाले को तोड़कर यहाँ ताजमहल बनवाया गया था? क्या है इसके पीछे का रहस्य? कई बड़े बड़े इतिहासकार ताजमहल की जगह शिवालय होने के दावे करते हैं। इनमें से एक है पीएन ओक, जिन्होंने 1989 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपनी इस किताब में पीएन ओक कहते हैं कि ताजमहल को तेजो महाले कहना चाहिए क्योंकि ताजमहल के बनने से पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे राजपूताना महाराजाओं द्वारा बनवाया गया था। जिस समय यहाँ मंदिर हुआ करता था उस समय शाहजहां द्वारा इस जगह पर हमला बोला गया और युद्ध जीतने के बाद शाहजहां द्वारा इस मंदिर को तुड़वा कर यहाँ ताजमहल का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जहाँ आज ताजमहल है वहाँ पहले शिव मंदिर हुआ करता था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई पुराने लोगों ने इस मंदिर को वहाँ देखा भी है। इसके साथ ही कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने की बात को नकार रहे हैं। उनके द्वारा इस बात को लेकर कई तर्क रखे गए हैं। इन्हीं में से एक है राणा सफवी, जो कहती हैं कि आज तक यहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि यहाँ कभी शिव मंदिर हुआ करता था। इन इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि यहाँ पहले राजा जयसिंह की हवेली हुआ करती थी जिसे शाहजहां द्वारा राजा जयसिंह से खरीदा गया था और इसके बाद इस जगह पर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। आखिरकार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में क्या है, इसे क्यों खोला नहीं जाता? इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि ताजमहल की नींव तक हवा प्रदूषण ना जाए, इसकी नींव कमजोर ना हो, इस वजह से ताजमहल के बेसमेंट को नहीं खोला जाता है। लेकिन अगर आप इसके फ्लोर को देखेंगे तो यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ होल्स नजर आएंगे जिससे कि प्रदूषण और हवा दोनों ही ताजमहल के बेसमेंट तक जा रही है। तो क्यों सरकार द्वारा इन तहखानों को ना खोलने की वजह इसकी नींव पर असर बताई जा रही है?